दोस्तों, आपके गुलाब जामुन फूल तो जाते हैं, लेकिन फूलने के बाद वापस उनके गाल बैठ जाते हैं या फिर अंदर गांठ रह जाती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो साबित हो सकता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ शेफ अशोक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल रेसिपीज़ के अंदर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा स्टफ गुलाब जामुन बनाना, बहुत ही आसान रेसिपी। तो चलिए, सबसे पहले मैं चाशनी बना लेता हूँ यहाँ पर। दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पर 1 किलो शुगर लिया है, क्योंकि हम आधा किलो मावे की गुलाब जामुन बनाएंगे। तो यहाँ पर एक बर्तन में सबसे पहले मैंने 1 किलो चीनी ऐड कर लिया, और साथ में मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ आधा लीटर पानी। दोस्तों, यहाँ पर आधा लीटर मावे के लिए हम चाशनी बनाएंगे 1 किलो शुगर की, उसके अंदर आधा लीटर पानी एनअप हो जाएगा। सबसे पहले गैस ऑन कर कर हम चीनी को अच्छे से मेल्ट करने देंगे। स्लाइसर की सहायता से मैं इसे अच्छे से हिलाते रहूँगा, जब तक हमारी चीनी अच्छे से घुल कर मेल्ट नहीं हो जाए। बहुत ही कम समय के अंदर हमारी चाशनी बन के तैयार हो जाएगी। दोस्तों, गुलाब जामुन की आधा किलो ही चीनी है, तो वो बहुत ही जल्दी करीब 5 मिनट के अंदर हमारी चाशनी बनके तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं, एडिटिंग की सहायता से मैंने यहाँ पर चाशनी उबलने लग गई है। अब जैसे हमारी चाशनी उबलने लग जाती है, तो करीब 1 से 1.5 मिनट तक चाशनी उबलती है, तो इसके ऊपर फोम आने लग जाएंगे, यानी ये झाग आने लग जाएंगे। हलवाई की भाषा में इसे मेल बोलते हैं, तो इसे हम रिमूव कर देंगे। दोस्तों, अगर शुगर हमारी अच्छी क्वालिटी की है, तो बहुत ज़्यादा झाग नहीं आएगा, हल्के फुल्के आएंगे, तो इन्हें हम रिमूव कर देंगे। और दोस्तों, चाशनी को हम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं उबालेंगे, मात्र आधा किलो शुगर है, तो 5 मिनट के अंदर हमारी चाशनी बन के तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं, चाशनी अभी से हमारी तैयार होने आ चुकी है। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा केसर ऐड कर लेता हूँ। आपके पास अगर केसर हो तो ठीक है, नहीं तो केसरी कलर भी आप हल्का सा यूज कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर थोड़ा सा इलायची पाउडर मैं इसमें डाल देता हूँ, और हिला कर इन्हें बढ़िया सा मिक्स कर लेता हूँ। करीब 5 से 6 मिनट तक हो चुके हैं मुझे इसे उबालते हुए, और देख सकते हैं आप, चाशनी हमारी बन के तैयार है। एकदम इसके अंदर एक लेयर से धार बन रही है, ये देखिए। बस ये इसी तरह इतनी पतली रखेंगे हम चाशनी को। दोस्तों, अब चलते हैं अगले स्टेप की ओर। यहाँ पर मैंने देखिए कुछ इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करके रखे हैं। उसमें यहाँ पर मैदा लिया है मैंने, दोस्तों मैदा 100 ग्राम लिया है मैंने। साथ में ऑयल लिया है, रिफाइंड ऑयल 50 से 60 ग्राम रिफाइंड ऑयल लिया है। साथ में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लिया है मैंने, यहाँ पर काजू और किशमिश लिया है, ये स्टफिंग के लिए काम आएंगे हमारे। और 80 ग्राम मैंने यहाँ पर पनीर लिया है। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण, मैंने यहाँ पर आधा किलो मावा लिया है, लेकिन मावा मैंने गुलाब जामुन का लिया है। ये पता करना बहुत ही आवश्यक है कि मावा गुलाब जामुन का है या नहीं है, कहीं हमको बर्फी का मावा तो नहीं दे दिया है। दोस्तों, गुलाब जामुन मावा करने के लिए गुलाब जामुन मावा हमेशा हल्का हल्का दरदरा रहेगा, और इसके अंदर छोटी छोटी सी कणी रहेगी, कणकी टाइप रहेगी, और येलो कलर का रहेगा। ये पता करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो बर्फी का वाइट मावा दे दिया तो हमारे गुलाब जामुन कभी नहीं बनेंगे, और उनके मुँह गाल बैठ जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर हल्का सा घी डाल देते हैं गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए, और लो फ्लेम के ऊपर इसे चालू कर देंगे, बहुत ही लो फ्लेम। साथ में मैंने यहाँ पर दोस्तों देखिए मावे को बढ़िया सा ग्रेट कर दिया, और अब मैं इसके अंदर ग्रेट कर लेता हूँ साथ में पनीर। पनीर को हम मावे के साथ में अच्छे से ग्रेट कर देंगे, और थोड़ा सा मैं यहाँ पर दोस्तों मावा निकाल लेता हूँ, ये हमारे स्टफिंग के लिए काम आएगा, तो इसका प्रोसेस मैं आगे आपको बताऊँगा। हल्का सा मावा निकाल के एक तरफ रख लेते हैं, और फिर मैं इन दोनों की अच्छे से मालिश कर दूंगा। इनके अच्छे से मालिश करने से जो मावा हमारा है ना, वो भी गुलाब जामुन के लिए तैयार हो जाएगा, और साथ में हमने जो पनीर ग्रेट किया ना, वो भी मावे के अंदर अच्छे से मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर जो हम मावे की मालिश करेंगे, एक ही बार ये मालिश होगी, इसके बाद आगे मालिश नहीं होगी, तो हमें यहाँ पर दोनों की बढ़िया सी मालिश कर देने की है। देखिए, मैंने यहाँ पर अच्छी सी मालिश कर ली इनकी। अब इसके अंदर ऑयल ऐड कर लेते हैं, हल्का सा मैं इसके अंदर ऑयल डाल देता हूँ, थोड़ा सा ऑयल बचा लेता हूँ, बाकी सारा ऑयल मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और हल्के हाथ से हम ऑयल को मावे के साथ में मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं इसके ऊपर मैदा डाल दूंगा। दोस्तों, यहाँ पर मैदा डालने के बाद भी हमें मालिश नहीं करनी है, ओनली मावा को मैदा को मिक्स करने का है। हल्के हाथ से हम मिक्स करेंगे, ये देखिए मैं किस तरह इनको बढ़िया सा हल्के हाथ से मिक्स कर रहा हूँ। और जितना भी ये मावा साइडों के अंदर चिपका हुआ है ना, इसे भी हम उतार देंगे, हल्का हल्का सा मैदा स्प्रेड करेंगे, और इसके बाद में इसका बढ़िया सा हाथ घुमा लेंगे, तो सारा मैदा जो मावा जो हमारे साइडों के अंदर चिपका था, सारा उतर जाएगा। और हम इस तरह हम डो को बढ़िया सा मल्ली लगा लेंगे, ये देखिए गुलाब जामुन की मल्ली हमारी बनके तैयार, और कहीं भी हाथ के चिपक नहीं रही है। चलिए, अब चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर। यहाँ पर मैंने एक बाउल कटोरी में जो मावा रखा था ना, उसे एक अलग से निकाल लेते हैं, और ये जो ड्राई फ्रूट्स है ना, ड्राई फ्रूट्स को हम एकदम बारीक कर देंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आप मिक्सी में भी कर सकते हैं, या बेलन से घुमा के भी कर सकते हैं। बढ़िया सा बारीक कर कर मैं मावे के साथ में मिला लूँगा, और साथ में हल्का सा मैंने यहाँ पर केसरिया कलर लिया है, तो केसरिया कलर हम इसमें ऐड कर लेंगे, फूड कलर। इनको अच्छे से मिक्स कर कर एक बढ़िया सा इसका स्टफिंग का मसाला बना लेंगे।
ये देखिए बढ़िया सा मैंने मिक्स कर लिया, तो ये हमारा स्टफिंग का मसाला तैयार है। हल्का सा मैदा इस पैकेट कर कर मैं इसकी पहले छोटी छोटी सी लोई तोड़ लूँगा ताकि सारे गुलाब जामुन के अंदर बढ़िया सी स्टफिंग हो जाएगी। बस इसी एक साइज की मैं सारी लोई तोड़ के एक तरफ रख लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर गुलाब जामुन बनाते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए हल्का सा मल्ली में से मावा तोड़ेंगे और इसे गोल गोल घुमाते हुए इस तरह लंबा कर लेंगे। लंबा करने से क्या होता है, जो हम गुलाब जामुन की लोई तोड़ रहे हैं ना, ये देखिए हमारी सारी लोई एक साइज की टूटेगी। देखिए मैंने बढ़िया से एक साइज की लोई तोड़ ली। अब एक लोई को हाथ में लेंगे और हल्का सा अंगूठे से प्रेस करेंगे और इसको वापस इसके अंदर स्टफिंग का अलग मावा रखेंगे और वापस इसको प्रेस कर देंगे और अच्छे से इसको सील कर देंगे। ये देखिए मैं एक और दिखा लेता हूँ आपको। बस ऐसे ही वापस एक स्टफिंग को अंदर प्रेस कर कर इसके बीच में एक छेद कर लेंगे, इसके अंदर वापस स्टफिंग का मावा रख के और इसे बढ़िया सा सील कर लेंगे। ये देखिए बस इसी तरह सारे गुलाब जामुन के अंदर मैं स्टफिंग कर लूँगा और फिर मैं इसे गुलाब जामुन के लिए तैयार कर लूँगा। हाथ के अंदर रख कर आराम से सिंपली हम गोल गोल घुमाएंगे तो बीच में हमारा गुलाब जामुन एकदम गोल सा बन के तैयार हो जाएगा। दोस्तों याद रहे इसके बीच में कहीं भी छेद नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये देखिए चलिए एक और गोल गोल घुमा के दिखा लेता हूँ मैं आपको। बस इजी तरीका है, आराम से हाथ के अंदर गोल गोल घुमाएंगे तो बढ़िया सा हमारा गुलाब जामुन तैयार हो जाएगा। बस ऐसे ही जो हमने लोई तोड़ी थी उसके सारे गुलाब जामुन बना के स्टफिंग करके बढ़िया सा तैयार कर दिया। चलिए दोस्त अब चलते हैं अगले स्टेप पे और ये वाला स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक विशेष तौर पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि घी का जो हमारा टेम्परेचर है ना वो बहुत ही कम रहना चाहिए, हल्का सा घी गर्म होना चाहिए। उसमें हमारा गुलाब जामुन डालेंगे तो आराम से मैं सारे गुलाब जामुन डाल देता हूँ इसके अंदर। देखिए गुलाब जामुन डालते सारे बबल्स ऊपर आने लग गए तो मेरा ये घी का टेम्परेचर यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा एक कपड़े से पकड़कर यहाँ पर अगर आप चाहे तो कढ़ाई को नीचे उतार सकते हैं और एक तरफ रख कर गोल गोल घुमाएंगे इसे। मैं यहाँ पर गैस के ऊपर ही घुमा रहा हूँ गोल गोल और सबसे पहले क्या करते हैं गैस की फ्लेम को हम बंद कर लेते हैं। उससे क्या होगा घी का जो हमारा टेम्परेचर है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा और इसे गोल गोल घुमाने से नीचे हमारे गुलाब जामुन चिपकेंगे नहीं, क्योंकि पैंदा हमेशा गर्म रहता है तो गुलाब जामुन चिपकने की संभावना ज़्यादा रहती है। देखिए एक मिनट एक से डेढ़ मिनट मैंने इसे घुमाया तो हमारे गुलाब जामुन हल्के हल्के सारे ऊपर आने लग गए और तेल का टेम्परेचर भी कम हो चुका है। जब सारे गुलाब जामुन ऊपर आ जाएंगे तो हम गैस को लो फ्लेम के ऊपर चालू कर देंगे और इसे घुमाते रहेंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए अब मैं पलटा या स्लाइसर की सहायता से घुमा सकता हूँ क्योंकि सारे गुलाब जामुन मेरे ऊपर आ चुके हैं। यहाँ हम इसलिए घुमाएंगे ताकि गुलाब जामुन का जो मुँह बाहर रहता है ना वो मुँह का कलर अलग हो जाएगा और जो अंदर रहता है ना वो पक जाएगा। तो हम इस तरह इसे कंटिन्यू हिलाते रहेंगे ताकि सारे गुलाब जामुन चारों तरफ से अच्छे से पक जाएँ। बस इस तरह हम गोल गोल घुमाते हुए गुलाब जामुन को पकाएंगे। लो फ्लेम के ऊपर हम गुलाब जामुन को पकाएंगे और देखिए कंटिन्यू सारे गुलाब जामुन मेरे बढ़िया से हिल रहे हैं तो घी इनके ऊपर नीचे सब तरफ फैल रहा है। करीब दोस्तों ये प्रोसेस को मेरे को 5 मिनट लग गया इनको पकाने के अंदर और तो आप देख सकते हैं गुलाब जामुन मेरा कलर बहुत ही बढ़िया आ चुका है। ये देखिए एकदम गोल्डन कलर हो चुका है। अब मैं सारे गुलाब जामुन को बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर हम झारे की सहायता से सारे गुलाब जामुन बाहर निकाल लेंगे और इन्हें चाशनी के अंदर डिप कर देंगे। याद रहे चाशनी हमारी मीडियम गर्म होनी चाहिए, फुल गर्म चाशनी के अंदर कभी गुलाब जामुन नहीं डालने का, नहीं तो गुलाब जामुन पिचक सकते हैं, उनके गाल बैठ सकते हैं। यहाँ पर कुछ गुलाब जामुन मेरे जो ऊपर रह रहे हैं उनको भी मैं आराम से स्लाइसर की सहायता से दबाकर अंदर कर लेता हूँ ताकि ये आराम से 10 मिनट के अंदर बढ़िया सी चाशनी पी लेंगे और एकदम रसीले गुलाब जामुन बन के तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखने वाली वो है, फर्स्ट गुलाब जामुन का हमारा मावा है जो हमारे येलो कलर का होना चाहिए और दानेदार होना चाहिए। सेकेंड वन जब हम किसकी मालिश करेंगे तो पनीर और मावे के साथ में मालिश करने के बाद में तेल और मैदा डालेंगे, तब हमें मालिश नहीं करनी है, ओनली उसे मिक्स करना है। उसके बाद जब हम गुलाब जामुन गोल गोल बनाएंगे तो उसके बीच में कहीं भी कट नहीं रहना चाहिए, ब्रेक नहीं रहना चाहिए। और आखिरी बात जब हम इसके अंदर फ्राई करेंगे घी में तो घी का टेम्परेचर बहुत ही कम रहना चाहिए, नहीं तो गुलाब जामुन हमारे एकदम ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से गांठें पड़ जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी गुलाब जामुन बनाने की कुछ बातें और चाशनी हमारी मीडियम गर्म रहनी चाहिए। तो देखिए गुलाब जामुन बहुत ही बढ़िया और एकदम मस्त वाली स्टफिंग देखिए आप, ये देखिए बहुत ही बढ़िया स्टफिंग भी हो चुकी है और एकदम रसीले गुलाब जामुन बन के तैयार है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।